हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज एक पॉपुलर सिटकॉम बन चुका है। ना सिर्फ ये शो बल्कि इसके कलाकार भी इस कदर फेमस हो चुके हैं कि लोग उन्हें अपने उनके असल नामों से भी नहीं जानते हैं, उसके बजाय उनके किरदार के नाम से उनको जानते हैं। जेठालाल से लेकर बाबूजी, दयाबेन, मिस्टर और मिसेस सोढ़ी, बबीता जी और टप्पू और उनकी सेना, शायद ही ऐसा कोई किरदार हो जो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह ना बना पाया हो। बागा से लेकर बावरी और रीता रिपोर्टर तक हर किरदार फैंस के दिल पर रच बस चुका है। इन किरदारों को कई एक्टरों ने निभाया है, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने तारक मेहता के इन किरदारों को इस तरह जीवंत किया है कि अब वो शो का हिस्सा नहीं है तो एक खालीपन सा लगता है और फैंस उन्हें खूब मिस भी करते हैं। उनकी कमी शायद ही पूरी हो पाएगी। दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी को फैंस खूब मिस करेंगे। ऐसे और भी कई स्टार्स हैं जो तारक मेहता फैमिली का हिस्सा थे पर अब शो छोड़ चुके हैं। इस लिस्ट में झील मेहता बनी सोनू आती हैं। झील ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का रोल निभाया था। वो 2008 से 2012 तक शो का हिस्सा रही, लेकिन पढ़ाई के चलते शो छोड़ दिया। उस वक्त झील मेहता सिर्फ 9 साल की थी, हालांकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं और गॉर्जियस भी हो चुकी हैं। इसके अलावा झील मेहता के बाद शो में सोनू का किरदार एक्ट्रेस निधि भानुशाली ने प्ले किया था, लेकिन निधि ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा कह दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस पलक सिद्धवानी को सोनू भिड़े के रोल के लिए कास्ट किया गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बागा की गर्लफ्रेंड बावरी को रोल प्ले करने वाली मोनिका भदौरिया को फैंस आज भी मिस करते हैं। मोनिका शो से करीब 6 साल पहले जुड़ी हुई थी और जब उन्होंने अचानक ही तारक मेहता शो को छोड़ने का फैसला किया तो फैंस का दिल टूट गया था। इसके अलावा डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद को भला कैसे भूल सकते हैं। इस एक्टर ने मानो डॉक्टर हाथी के किरदार में जान फूंक दी थी। कवि कुमार आजाद से पहले ये रोल एक्टर निर्मल सोनी निभा रहे थे, लेकिन शो के मेकर्स के साथ मन मुटाव के चलते निर्मल सोनी ने शो छोड़ दिया था। इसके बाद कवि कुमार आजाद को साइन किया गया था। वो तारक मेहता में करीब 9 साल तक रहे थे, लेकिन साल 2018 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद निर्मल सोनी की दोबारा शो में वापसी हुई। इसके अलावा टप्पू का यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर भव्य गांधी याद हैं। भव्य तारक मेहता उल्टा चश्मा के करीब 8 साल के जुड़े हुए हैं, लेकिन भव्य के मुताबिक जब उन्हें अपने किरदार में कोई ग्रोथ नहीं दिखी तो उन्होंने शो छोड़ दिया। अब शो में टप्पू का रोल राज अंधकद निभा रहे हैं। खैर दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।